आज हम हैंड में पाए जाने वाले बोन्स के हवाले से बात करेंगे। हमें मालूम है कि हैंड में 8 कार्पल्स, 5 मेटा कार्पल्स और 14 फैलेंजल बोन्स पाई जाती हैं। कार्पल बोन्स जो कि शॉर्ट बोन्स होती हैं और ये रिस्ट में पाई जाती हैं, इसको हम दो रोज में डिवाइड करते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल रोज में। प्रॉक्सिमल रो में पाए जाने वाली बोन्स, प्रॉक्सिमल रो में पाए जाने ये प्रॉक्सिमल रो और बाकी ये पूरा डिस्टल रो और ये प्रॉक्सिमल रो। प्रॉक्सिमल रो में पाए जाने वाली बोन्स स्किफॉइड, जो कि रेडियस के साथ मिलती है, जॉइंट बनाती है, स्किफॉइड, ल्यूनेट, इसके नीचे यहाँ ट्राइक्वेट्रल और उसके ऊपर पिजीफॉर्म। प्रॉक्सिमल रो में स्किफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल, पिजीफॉर्म। फिर उसके बाद डिस्टल रो में ट्रेपीजियम, ट्रेपिजॉइड, कैपिटेट जो सेंटर में पाई जाती है और फिर हिमेट, हिमेट। उसके बाद 5 मेटाकार्पल्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताया, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का। फैलेंजियल बोन्स 14 होती हैं, थंब में 2, 1, 2 और इसी तरीके से इसमें 3, 1, 2, 3 और इसी तरह 3, 3 पाए जाते हैं। तो 14 फैलेंजियल बोन्स पाई जाती हैं। अगर हम रिस्ट और मेटाकार्पल्स के दरमियान जॉइंट देखते हैं, जिसे हम कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट कहते हैं, इसी तरीके से मेटाकार्पल और फैलेंस के दरमियान में जो जॉइंट बनता है वो मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट होता है। लेकिन थंब में मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट यहाँ मौजूद है और ये एक ही इंटरफैलेंजियल जॉइंट मौजूद होता है जो थंब में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट और इसी तरह से प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि थंब में मौजूद नहीं होते क्योंकि यहाँ पर 3 फैलिंग्स नहीं होती बल्कि 2 फैलिंग्स होती हैं। तो इस तरह से हमारी 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फैलेंजेस, ये बोन्स इसमें पाई जाती हैं। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।